नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज DNN। पेश है आज की प्रमुख सुर्खियां। भारत नेपाल के बीच जल्द सुलझेगा सीमा विवाद, क्रॉस बॉर्डर तस्करी पर रोक के लिए लगेंगे थर्मल इमेजिंग। ट्विटर ने सुधारी अपनी गलती, उपराष्ट्रपति वेंकटैया नायडू के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत का ब्लू टिक भी लौटाया। घर घर राशन पहुंचाने की केजरीवाल की योजना पर केंद्र सरकार ने फिर लगाए रोक। राजस्थान में विधायकों के लिए बन रहा है आलीशान आशियाना, कांग्रेस की दोहरी नीति हुई उजागर, जहां खुद करें खर्चा पर दूसरों पर करें चर्चा। आज रहा किसानों का हंगामा चर्चा में, किसानों ने किसान बिल की जलाई प्रतियां। टुहाना में राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। जम्मू कश्मीर, स्वास्थ्य कर्मियों के साहस को सलाम, नदी पहाड़ पार कर जान बचाने की कोरोना से जंग है जारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया, श्रीनगर में पुलिस को बरामद हुआ बम। भारत चीन सीमा विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया है कि मोदी और शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं और अपने सीमा विवाद को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं। खबर यूपी से, सीएम योगी ने फैसला दिया है कि MBA पास युवाओं को मिलेगी सरकारी हॉस्पिटल्स में नौकरी, संभालना होगा मैनेजमेंट का काम। देश और दुनिया की सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज DNN। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल न्यूज DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।